लोगों के जो हॉस्पिटल्स में आज पेशेंट्स हैं, ऐसा लगभग 8,556 पेशेंट तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन स्पॉट जो है उसके ऊपर आधारित हमारा इलाज चल रहा है, और वेंटिलेटर्स आईसीयू इसमें 3,828 मरीज हैं, ऐसे लगभग 12,400 मरीज इस समय प्रदेश में हैं। और इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि हरियाणा के जो मरीज हैं उनको तो हम एडमिट कर ही रहे हैं, ऐसा एक अनुमान है कि गुरुग्राम में लगभग 40% मरीज वो दिल्ली से आकर के एडमिट है, फरीदाबाद में भी ऐसा कोई 20% के आसपास ये मरीज दिल्ली का और नोएडा का ये वहां एडमिट है, और जीटी रोड सोनीपत से लेकर और अंबाला तक यहां भी कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% अलग अलग शहरों में ये पेशेंट भी बाहर प्रांतों के आकर के एडमिट हैं। अब चूंकि मरीज तो मरीज ही है, इसलिए हम हरियाणा के प्रांतों के का इलाज यानी मरीजों का करेंगे ही, लेकिन अगर कोई मरीज दूसरा भी आता है तो हमारे अस्पतालों में किसी ने उसको मना अभी तक नहीं किया है। हम अपने शेष लगभग 90,000 ऐसे कोविड पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में हैं या कोविड के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में, और वो अपना इलाज करवा रहे हैं, कोई घर में रह के कर रहा है, कोई वहां करवा रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स जो संख्या में लगभग 500 से ऊपर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स में भी इन मरीजों को और देखभाल की जा रही है। हमने कुछ अस्पतालों में बेड्स को बढ़ाने की भी व्यवस्था की है। पीजीआई में जो अभी बेड्स 200 बेड्स को बढ़ाने की बात ये हमने 2 दिन पहले की है, उसके लिए ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। और इसी प्रकार पंचकुला में साथ में करनाल में जो हमारा नल्लड़ का मेडिकल कॉलेज है, इसमें एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में, और जो एक नया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में खुला है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, उसमें 100 बेड्स, इस प्रकार से लगभग 700 बेड्स की व्यवस्था ये 2 दिन पहले ही हमने की है, और उसका जो ऑक्सीजन का कोटा है वो हमने रिलीज कर दिया है। अभी भी लगभग पीजीआई में भी 800 बेड और गुंजाइश है, फरीदाबाद में भी इसकी गुंजाइश बनी है। सभी मेडिकल कॉलेजेस का अगर मिला लें तो 1,000 बेड्स नए ये बनने की हमारी स्थिति में है। साथ ही डीआरडीओ जो आर्मी की सहायता से हम 500 बेड का एक हॉस्पिटल पानीपत में रिफाइनरी में, और 500 बेड का हिसार में जहां ऑक्सीजन को गैस रूप में उपलब्ध है, ये 2 मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में सीएसआर के तहत वेदांता ग्रुप भी 100 बेड का नया अस्पताल ये बना रहा है। मैनकाइंड फार्मा के 70 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है, उसका भी आज या कल में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ऐसे इन सब बेड्स की व्यवस्था करने के लिए हमने एक अधिकारी भी जिम्मे लगा दिए ताकि डेली उसकी मॉनिटरिंग वो कर सकें। ऑक्सीजन की जहां तक सप्लाई है, चंडीगढ़ में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, और उस कंट्रोल रूम में हमारी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज इसके अंदर ये था कि ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो, उसका कोटा कैसे बढ़े। आसपास जहां से हमको मिल रही थी, जिसमें पानीपत है, रुड़की है, देहरादून है, बद्दी से भी कुछ दिन हमको ऑक्सीजन मिली, भिवाड़ी से हमको ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो नॉर्थ ईस्ट से खास करके उड़ीसा प्रांत से हमको जो स्टील प्लांट जितने हैं वहां से ऑक्सीजन की उपलब्धि हुई, ताकि 70 मीट्रिक टन वहां से प्रतिदिन का कोटा हमको मंजूर हुआ है। पहला चैलेंज कोटा मंजूर कराने का था। दूसरा चैलेंज दूरस्थ स्थानों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस ऑक्सीजन को लाने का था। उनके लिए हमने 20 टैंकर प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ट्रेन के द्वारा वहां से लाया जाता है, और खाली टैंकर यहां से हवाई जहाज के द्वारा हम प्रतिदिन भेजते हैं, और ये अपने आप में अभी भी आवश्यकता और हमारी टैंकर्स की है, बनी हुई है। हम इसके अलावा फ्री मार्केट से भी जितनी ऑक्सीजन हमको मिलती है वो हम प्राप्त करते हैं। एमएसएमई के कुछ प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल यानी एरिया को इंडस्ट्रियल के पर्पज के लिए जहां ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, उसको भी डाइवर्ट करके हमने मेडिकल एजुकेशन मेडिकल ऑक्सीजन का और उपयोग करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिए हैं। ऐसी भी 15 मेट्रिक टन हरियाणा की अलग से हमको ये ऑक्सीजन ये मिल रही है, ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो पीएसए तकनीक के ऊपर आधारित ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट भले ही छोटे होते हैं, जिसमें एक पीएसए प्लांट में 0.37 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन को मिलती है,
वो भी 6 ऑक्सीजन के ऐसे मिनी प्लांट्स ये हमको मिल गए हैं, जिसमें से 4 ये चालू हो चुके हैं, एक आध दिन में 2 और भी चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 180 PSA प्लांट्स की एक ऑर्डर हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है, वो भी शीघ्र विदेश से मंगवा करके और वो हमको मिलेंगे। इस प्रकार विषय हमारा टीकाकरण का है, वैक्सीनेशन का। 45 वर्ष से ऊपर के लगभग 39 लाख लोगों का प्रदेश में और टीकाकरण हो चुका है वैक्सीनेशन का। अब 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं, इनका जो 1 मई से शुरू किया गया वैक्सीनेशन, इसके लिए 3 लाख डोज हमको मिली है और ये 3 लाख में से लगभग 2.5 लाख लग चुकी हैं। अगले 2 दिन में 3 दिन में जैसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक खेप और आएगी इंजेक्शन की, तो उसको भी हम चालू करेंगे। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उनको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, जिस सेंटर पर उसकी बारी आती है वहां जाकर के वो इंजेक्शन जो है वो लगवाता है। एक बात निर्णय हमने किया है कि 18 से 45 का जो टॉसिली इंजेक्शन है, पहले तो 45 से ऊपर के सभी सरकार को फ्री मिलते थे केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन ये प्रदेश सरकारों को खरीदना पड़ता है 400 रुपये और 600 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से। लेकिन हरियाणा प्रदेश ने यह तय किया है कि हम 18 से 45 साल के सभी आयु के जितने भी लोग हैं उन सबको मुफ्त में अपने जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी ओर से 50% कोटा उनका तय किया गया है, वो जाकर के और खरीद के लाते हैं, वो पैसे से ही लगाते हैं। कुछ संस्थाएं भी इसमें लगाना चाह रही हैं, उनको भी CSR के माध्यम से वो इंजेक्शन ला करके और वो संस्थाएं वो लगा सकती हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो हमारे चैलेंज हैं, इन चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन किया है, और बारीकी से अध्ययन करने के बाद जो जो नए चैलेंज आते हैं उसको हम तुरंत दूर करते हैं। है कि जो BPL के लोग हैं, BPL कार्ड धारक हरियाणा के लोग जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं, उनके लिए एक पैकेज ये हमने आज बनाया है, और उस पैकेज के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 5,000 रुपया मैक्सिमम 7 दिन के लिए, ये 35,000 रुपये का एक पैकेज ये उनको मुफ्त में हम घोषणा कर रहे हैं, ताकि ये 35,000 रुपया जहां वो इलाज कराते हैं वहां अपने बिल में से 35,000 रुपया कम करा करके उनको दें, ताकि हम ये पैसा सीधा अस्पताल के खाते में RTGS कराएंगे, ताकि उनको ये 5,000 रुपये प्रति बेड का प्रतिदिन का ये राहत मिल सके जो BPL के लोग और अपना एडमिशन वहां कराते हैं। एक पैकेज ये है। दूसरा, जो अस्पताल है, इन अस्पतालों को निश्चित रेट किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हरियाणा का है चाहे बाहर का है, उन सबको इन रेट्स पर ही चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा रेट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो हरियाणा के लोग हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर लें, इसके लिए एक इंसेंटिव उन अस्पतालों के लिए हम रखते हैं कि हरियाणा के लोग जितने इन प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविड रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, ये जितने हरियाणा के लोगों को एडमिट करेंगे प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1,000 रुपया एक बेड के हिसाब से, मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए 7 दिन, यानी मैक्सिमम 7,000 रुपया ये उन अस्पतालों को भी हम देंगे, ताकि हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एडमिशन दें। इस प्रकार के दो ये पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिसमें से हरियाणा के सब लोगों को भी लाभ मिलेगा और खास करके जो BPL के लोग हैं उनको भी 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन का मैक्सिमम 35,000 रुपया और उनका ये लाभ इनको ये मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद या तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, या उनको बताया जाता है कि वो होम आइसोलेशन में रहें और घर पर ही अपना इलाज करें, या जो कोविड सेंटर्स में हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ऐसे लोग घर पर रह करके जब इलाज करेंगे उनका भी कोई दवाई का खर्च है, कहीं एक आध कंसल्टेशन डॉक्टर से उनको करनी पड़ती है, या कुछ छोटे एपरेटस खरीदने पड़ते हैं, किसी का ऑक्सीमीटर है किसी का थर्मामीटर है, तो ऐसा वो खर्चा 2,000 से लेकर और 8,000 तक कहीं भी आंका जा सकता है। कोई पेशेंट 2,000 रुपये भी खर्च कर सकता है, कोई पेशेंट 8,000 रुपये भी खर्च आता है, तो उसका भी ऑन एवरेज ऐसा पेशेंट कोविड पॉजिटिव आने के बाद घर में रहकर इलाज करेगा उसको, और वो BPL का होगा, तो उसको भी 5,000 रुपये की लमसम सहायता ये उस पेशेंट को भी दी जाएगी जो पॉजिटिव आता है, जिसका पॉजिटिव में रजिस्ट्रेशन है,
उसको केवल अपना बीपीएल का कार्ड दिखाना है और 5,000 रुपए की सहायता उसके खाते में और ये सीधी भेजी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि वहां ये बीमारी पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं लोग। ये बात ठीक है कि आखिर बीमारी तो कहीं भी जा सकती है। शहरों के लोग जागरूक होने के नाते कहें या वहां हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है इस नाते से उसका लाभ उठाने की बात कहें, ग्रामीण क्षेत्र में कई बार थोड़ा निडरता भी है, थोड़ा उनकी इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो शहरी इलाके से ज्यादा भी है। निर्भीक होकर के आज भी कहते हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन मेरा सबसे कहना यह है कि ये कोरोना अगर आगे बढ़ता है तो इससे इतना भी भिड़ना नहीं है कि हम इसकी परवाह ना करें। हमने सावधान होकर के अपना बचाव करना है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से प्रोग्राम चलाने के लिए मैंने कल ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है, एक पैकेज वो तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में पहले ट्रेनर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ट्रेनर्स को एक मॉड्यूल बना करके देंगे कि कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि गांव गांव में जाकर के वो प्रचार कर सकें और एक प्रारंभिक जांच के कैंप लगा सकें। प्रारंभिक जांच के कैंप लगाकर हर ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत भी लक्षण है, लक्षण नहीं भी है तो संभव हो तो हर व्यक्ति ये मान करके पता नहीं इसको भी कोविड हो सकता है, कोविड नहीं है ये गारंटी से कोई कह नहीं सकता है। कई बार व्यक्ति को पता नहीं लगता है और वो कोविड हो भी जाता है, ठीक भी हो जाता। हर्ड इम्यूनिटी तो हम लोग बढ़ रहे हैं और आज भी जो सर्वेज हुए हैं उस सर्वे में ऐसा कहते हैं कि 40% लोग तो हो ही चुके हैं कोविड अफेक्टेड। हालांकि संख्या हमारी अस्पतालों की या टेस्टिंग की इतनी नहीं बता रही है, लेकिन बहुत लोग हो गए हैं। ऐसे सब लोगों का टेस्ट करने के लिए हम कैंप लगाएंगे। जो ऐसा विषय आया है, इस विषय के समय हमें सबको मिल करके, चाहे वो सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जनता हो या जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवार विशेष तौर पर हो, सब लोग मिलकर के यदि इस महामारी का मुकाबला करेंगे तो इस महामारी से हम लड़ पाएंगे, इसको महामारी को हरा पाएंगे, हम स्वयं जीत पाएंगे। ये भाव अपने को मन में रखना है। तो इसके लिए जितने काम एक एक करके हम कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड्स की व्यवस्था है, समाज के लोगों के ऊपर खर्चा ना पड़े इसकी व्यवस्था है, ये सब हम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण काम और है जिसको हमको सबको मिलना है, मिल करके करना है, और विशेष तौर पर विपक्ष के लोगों को मैं विशेष आग्रह करूंगा, वो है इस बीमारी का जो डर बैठाने का काम कर रहे हैं वो कोई भी ना बैठाए। अगर डर बैठाने का काम ने कर दिया तो इस बीमारी से पार पाना बहुत कठिन होगा। हम सब पॉजिटिव बातें आगे लाएं, बीमारी खतरनाक बहुत है, कोई मालूम नहीं ये कब रुकेगी, कहां तक जाएगी, पहली वेव, दूसरी वेव, बहुत लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, कहीं तीसरी वेव ना आ जाए, कहीं चौथी वेव ना आ जाए। मेरा कहना डरने की बजाय हमको इतना साहस रखना है कि जब आएगी उस समय तैयार रहेंगे उसका मुकाबला करने के लिए भी। होप फॉर द बेस्ट,